भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और खतरनाक साजिश, ड्रोन के जरिए स्नाइपर भेजने की तैयारी में है पाकिस्तान। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है, 120 से 140 ड्रोन भेजने की साजिश। पीओके के मुजफ्फराबाद में बनाया गया है कंट्रोल रूम और खुफिया एजेंसीज ने सरकार को अलर्ट भी किया है। ड्रोन से भारत में स्नाइपर भेजने की तैयारी में है पाकिस्तान, यह अभी की बड़ी खबर। ये ISI और पाकिस्तानी सेना की नई साजिश है। ताकि हम आपको यह दिखा पाए कि आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है। ISI और पाकिस्तानी सेना की साजिश, ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की तैयारी। 120 से 140 स्नाइपर गन ड्रोन के जरिए भेज सकता है पाकिस्तान। स्नाइपर गन कश्मीर घाटी में भेजने की साजिश है। बड़ी बात यह है कि आतंकियों की बातचीत के इंटरसेप्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में कंट्रोल रूम बनाया है और इसी कंट्रोल रूम का नाम रख दिया है कंट्रोल रूम 40। पाकिस्तानी आतंकियों के लिए स्नाइपर भेज रहा है और ये जो स्नाइपर गन है, जो स्नाइपर राइफल्स हैं, ये अमेरिका से आई हुई हैं और पाकिस्तान अपने लिए सामरिक लिहाज से इनका इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि ISI ने, पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी रेंजर ने, पाकिस्तान के रेडिकल्स ने, इन सभी ने मिल करके की है कॉन्स्पिरेसी और यही एक वजह है कि ये पाकिस्तान की स्नाइपर साजिश है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, आपके पास आते हुए, पाकिस्तान के स्नाइपर साजिश की जद में भारत के कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी लगातार जिस तरह से भारत के खिलाफ नई नई साजिश रचने में लगी हुई है। राशिद, पिछले जनवरी से अब तक 120 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। अब जो है पाकिस्तान की ओर से नई साजिश की खुलासा हुआ है जिसमें खुफिया एजेंसी ने इंटरसेप्ट पकड़ा, जिसमें 120 से 140 M4 जो स्नाइपर गन है उसको ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजने के प्रयास में है। जो एरिया जो चुना गया है उसमें हीरानगर, राजौरी, तंगधार जैसे एरिया, अरनिया के जरिए जो है ड्रोन के जरिए भेजा जाएगा। और टाइमिंग भी राशिद ये है, राकेश आपको रुकना पड़ रहा है। राकेश, आप रहे हमारे साथ, लेकिन आप डिस्कनेक्ट मत होइएगा क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन की तरह पाकिस्तान ने भी रची है बॉर्डर पर साजिश। मुजफ्फराबाद सियाचिन के पार बढ़ा दी है सेना। भारत से सटे कई बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपनी सेना बढ़ाई। पाकिस्तान के जनरल बाजवा की तरफ से भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची गई है। पहले की तैनाती क्या थी, अभी की तैनाती क्या है, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से हम इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं बहुत तेजी के साथ में। हाँ, इंफोग्राफिक स्टूडियो। हाँ, अब यहां पर ग्राफिक के जरिए आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान के फौज के चीफ हैं, ये भारत के खिलाफ किस तरह की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। पाकिस्तान की फौज, ISI, जमहूरी सरकार, हालांकि जमहूरी सरकार वहां पर अपंग रहती है और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान को तीन लोग चलाते हैं, या ISI, या अल्लाह, या फिर मुल्ला। और ISI में आप इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना को भी शामिल करें। हम आपको अलग अलग जगह दिखा रहे हैं कि पहले की तैनाती क्या रही है और अभी की तैनाती क्या है, चाहे वो कोटली हो, चाहे अलग अलग इलाके जो LOC से लगे हुए इलाके हैं, चाहे बाघ का इलाका हो, चाहे रावल पिंडी का इलाका हो, रावला कोट का इलाका, इन सभी जगह पर बाजवा ने क्या किया है कि उन्होंने कंट्रोल रूम बना दिया है। कंट्रोल रूम में एक एक रहनुमा रख दिया। रहनुमा रखने के साथ साथ इनसे ये पूछा गया कि LOC की तरफ से अगर घुसपैठ को बढ़ाना है, क्योंकि भारत जो है चीन की तरफ बिजी है, तो आपको और कितने और फौजी चाहिए, क्या आपको पाकिस्तानी रेंजर, ये जो आपको PR नजर आ रहा है ना, पहले क्या होता था कि यहां पर 80 अलग अलग ब्रिगेड तैनात रहती थी, लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। चूंकि पाकिस्तानी रेंजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, पाकिस्तानी रेंजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह से भारत में घुसपैठ कराएं, और घुसपैठ को ही बताते हुए सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, तारीखों के साथ आपको एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर POK से दिखाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। देखिए आप, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत इस कदर बढ़ गई है कि अब POK के बारे में पाकिस्तान जिस वेबसाइट के जरिए दुनिया को खबर करता है, उसी वेबसाइट पर पाकिस्तान से आजादी की आवाज बुलंद हो गई है। देखिए आप,
प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों, पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। कुछ दिन पहले बीजेपी की जन संवाद रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके से ही मांग होगी कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये मांग इस तरह होगी, ये तो पाकिस्तान ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। खबर है कि पीओके में पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर ही पीओके की आजादी की मांग होने लगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जनसंपर्क महानिदेशालय की वेबसाइट खोलते ही एक मैसेज आ रहा था। मैसेज पोस्ट करने वालों ने इमरान सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। हैकर्स ने पाकिस्तान सरकार को आईना दिखा दिया। पीओके के डीजीपीआर की वेबसाइट ही हैक कर ली। पीओके ने पाकिस्तान से आजादी के स्लोगन इस वेबसाइट पर लगा दिए। हैकर्स ने पाकिस्तान पर मानव अधिकार उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए और बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र कर दिया। अब देखिए इस पाकिस्तानी वेबसाइट पर हैकर ने क्या लिखा। आजाद जम्मू कश्मीर का आवाम पाकिस्तान से आजादी चाहता है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन, निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार और आतंकवाद फैलाने में शामिल है। हम पिछले 70 सालों से आजाद जम्मू कश्मीर में भेदभावपूर्ण नीतियों और प्रशासन के लिए पाकिस्तानी शासकों की कड़ी निंदा करते हैं। ये तो एक मैसेज है, ऐसे कई मैसेज इस वेबसाइट पर दिखाई दिए। पाकिस्तानी वेबसाइट पर ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के नारे दिखने लगे तो पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में वेबसाइट बंद करनी पड़ी। पाकिस्तान ने उसकी वेबसाइट हैक करने का आरोप बिना सबूत हिंदुस्तान पर मढ़ दिया और वेबसाइट पर लिख दिया, असुविधा के लिए खेद है, हमारी वेबसाइट pidajk.gok.pk भारतीय हैकर्स के हमलों की वजह से अस्थायी रूप से ब्लॉक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।